हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रियम। स्वागत है आप सभी का फैंसी हेल्प यूट्यूब चैनल पे। स्क्रीन पे दिख रही इन इमेज को आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि जितने भी ड्रीम इलेवन के अभी हाल ही के विनर्स अनाउंस हो रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे मल्टीपल टीम पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। भाई, मल्टीपल टीम स्ट्रेटजी क्या है, कैसे वर्क करती है, कितनी टीम बनानी चाहिए, आखिर दिन की कितनी टीम बनाए कि हम लोग भी रैंक वन तक आ जाए। तो अगर आप भी दोस्तों ड्रीम इलेवन से विनिंग करना चाहते हो और इसी स्ट्रेटजी थ्रू ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग पे रैंक वन लानी है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, क्योंकि भाई जो जानकारी यहाँ पे मैं आपके लिए शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही सीक्रेट लेवल की होने वाली है, जिसके माध्यम से आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे विनिंग कर पाओगे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेज में ये बातें साफ साफ दिख रही हैं कि यहाँ पे जितने भी ड्रीम इलेवन के विनर्स हैं सब मल्टीपल टीम स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, मल्टीपल टीम स्ट्रेटजी क्या होता है, कभी भी जब भी हम लोग टीम बनाते हैं तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन किसी एक दो बंदे को लेना है, भाई चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे विकेट कीपर हो, चाहे बॉलर हो, तो उसमें एक लिमिटेड ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर हम मल्टीपल टीम बनाएंगे तो यहाँ पे पहली बात तो हमको कई सारे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। हम हमारी ही पिछली बनाई हुई टीम को कम्पीट कर रहे हो, जाहिर सी बात है भाई, हम अपनी बनाई हुई पिछली टीम को कम्पीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ड्रीम इलेवन हमको उस लेवल पे ला के रख देगा जहां पे विनिंग होती है। दोस्तों, ड्रीम इलेवन पूरी तरह से यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक तरीके से नहीं जिताएगा, कहीं ना कहीं उसको जब उस तरीके से फायदा होगा तभी दोस्तों आपकी रैंक लाएगा। आप लोग एक टीम बनाते हो 49 रुपए का और सोचते हो 49 रुपए में मैं जीत जाऊंगा, कभी ड्रीम इलेवन आपको इस स्ट्रेटजी थ्रू जीतने नहीं देगा। आप मल्टीपल टीम बनाओ, आप 49 रुपए के दोस्तों 4 से 5 टीम में बनाओ, आप इन्वेस्ट करो और अपना इतना अच्छी स्ट्रेटजी, इतनी यूनिक टीम बनाओ कि ड्रीम इलेवन आपकी 2-3 टीम को ही टॉप रैंक पे ला दे, तो भाई आप लोग भी यहाँ पे बेहतरीन विनिंग कर पाओगे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। ड्रीम इलेवन में विनिंग करने के लिए जो स्ट्रेटजी, जानकारी है, अगर आप लोग इसी सीक्रेट, इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करोगे तो भाई ड्रीम इलेवन में आप लोग कभी भी लॉस नहीं करोगे और हमेशा आपकी विनिंग होगी। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख लीजिए, अभी हाल ही में चल रही थी दोस्तों एशिया कप, उसकी सीरीज देख लीजिए, जितने लोगों ने यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल टीम क्रिएट की थी उनकी विनिंग हुई है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है सिलेक्शन परसेंटेज। सिलेक्शन परसेंटेज को अवॉइड करके हमको दोस्तों क्या करना है, हमको बॉलर और बैट्समैन के कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है, 6-4 का रेशियो लेके चलना है। 6 में हमारे बॉलर और ऑलराउंडर और विकेट कीपर होंगे, बॉलर की जगह बैट्समैन है और 4 में हमारे बॉलर होंगे। तो भाई उधर 6 में हमारे सामने विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, इधर 4 में हमारे सामने बॉलर। अब इस बॉलर में पेसर्स बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर तीनों शामिल है। तो भाई अगर इस स्ट्रेटजी को आप लोग मल्टीपल टीम में करोगे तो आपकी विनिंग होने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है। तो मेक श्योर करो कि यार आप लोग इस चीज को समझो, बैकअप रख के चलो, आप लोग किसी भी बैकअप प्लेयर को नहीं लेते हो, किसी भी ट्रम्प प्लेयर को आप लोग नहीं रखते हो, तो भाई आप लोग इन चीजों को समझ के चलो, आपको पूरा पूरा एक स्ट्रेटजी बनाकर चलनी पड़ेगी। एक नोट लो, एक पेन लो, आप उसको नोट करो कहीं पे कॉपी में और इस चीज को समझ के चलो कि आज अगर इतने बजे में मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ तो कितने बजे तक मेरी जो टीम्स हैं वहाँ पे, मतलब एक रैंकिंग लेवल पे आ जाएंगे। भाई ड्रीम इलेवन में तुरंत टीम बनाओगे और तुरंत आप लोग सोचो मेरी रैंक आने लगे, जी नहीं, जितना पहले आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे उतना पहले आपके विनिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ड्रीम इलेवन पर आपका डेटा वहाँ पे दोस्तों पहुंच जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझो और आप लोग भी बेहतरीन विनिंग कर पाओगे, अच्छी खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। मिलते हो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।